मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, पहले तो आपको मेरी तरफ से सभी को जय भोलेनाथ की जय हो। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे, सभी ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है आज के नए ब्लॉग पे आपका सभी का। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग शुरू स्टार्ट कर रहा हूँ अपना द्वारा से, तो इसका भी एक रीज़न है। पहले इसलिए ब्लॉग नहीं आए कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे पाँव में लगी हुई है, तो फिर उसके बाद ज़्यादा भी दर्द होने लग पड़ी, तो मैंने सोचा ब्लॉग शूट करना सही नहीं होगा मेरे लिए, तो फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किए। तो फिर आज से दोबारा से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आज ठीक हो चुका हूँ मैं, तो आज मैं अपनी कुलदेवी के मंदिर जाऊँगा। तो वहाँ पे मैंने नींबू के पौधे भी लगाए हैं अपने गाँव में, तो वो भी देखना है। और वो थोड़े जो यहाँ पर मैंने छोटे पौधे लगाए थे नींबू के, तो यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट करने हैं मैंने। तो आज मैं जाऊंगा अपने गांव, तो मैंने बोला एक ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो गाइस बने रहे मेरे साथ। नींबू है जो कि मैंने ऊपर लगाने हैं अपने गांव में, तो ये मैं इस बैग में डालूंगा सबको। तो आ जाएंगे सारे बैग, इसमें छोटे हैं तो इसमें डालते हैं सभी को। एक ही बैग में आ जाना है, तो बैग में नहीं आया तो इस बैग में डाल रहा है, और साथ में आगे अब तो मिल जाएगा मुझे। तो बोलता हूँ आप तो गाइस यहाँ पे अत्तू को लिया मैंने, यहाँ पे अत्तू का मामा जी का घर है। तो अत्तू छुट्टी पे आया हुआ था, तो मैंने अत्तू को फ़ोन किया, तो मैंने बोला यार मैंने ऊपर पौधे लगाने हैं मेरे साथ, चला अकेले हूँ मैं। तो फिर अत्तू बोलता मैं चल पड़ता हूँ मामा, तो अत्तू हाई कर दो। तो ठीक तो गाइज़ हम अपने गांव में पहुंच गए थे। तो पहले हमने सोचा पहले मंदिर में चलते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं मंदिर में, तो फिर उसके बाद में लगते हैं काम करने के लिए। तो देखो यहाँ का व्यू कितना सही है, आज मौसम ठीक है तो ही निकला मैं। तो गाइज़ ये वाली पहाड़ी है सामने, ये वाली तो ये नागबिंत्रु की पहाड़ी दिखती है, और ये वाला गाँव, इस गाँव में भी गाँव में यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे कंगरू ही है यहाँ पे सामने, और ये मेरा गांव है, कपरोदू बोला जाता है इसको। तो ये वाला गांव मेरा है, तो पहले भी वीडियो डाली है मैंने अपने गांव की। तो यहाँ से रणजीत सागर डैम और पठानकोट की चक्की भी दिखाई देती है, रणजीत सागर जो भी है यहाँ से दिखाई देती है, जो कि हम बसोली डैम बोलते हैं, जो बसोली पुल है। ये वाली तो पठानकोट चक्की है, ये वाली सामने वाली ये पठानकोट की चक्की है दिखाई दे रही है, और ये बसोली पुल यहाँ से दिखाई देता है। आज बिल्कुल साफ है मौसम तो ही दिख रहा है, नहीं तो ऐसे तो काफ़ी बार दिखता है, तो जब धुंध वगैरह होती है तो मुश्किल है दिखना। तो यहाँ पे हमारा मंदिर चौड़ा माता का मंदिर यहाँ पे, और दूसरा मंदिर वो सामने दिख रहा है, वो वाला सती माता का मंदिर है। तो पहले हम दर्शन कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइज ये मंदिर है चौड़ा माता मंदिर, तो पहले आपको दर्शन करवा लेते हैं चौड़ा माता मंदिर के। जय चौड़ा माता की जय हो, जय हो चौड़ा माता की जय हो। ये मंदिर है चौड़ा माता मंदिर का, ये हमारी कुलदेवी है।
गाइस मैं अपने गांव में गया था ये सामान लेने, तो मुझे बरसात है डर भी। तो गाइस इस जगह में लगाने हैं आज हमने नींबू के बूटे, और नींबू ये रखे हुए हैं, ये वाले नींबू हैं, ये सारे नींबू ये वाले ऊपर लगाने हैं यहाँ पे, ये अपनी जगह है सारी, इसके पीछे भी है जगह। तो गाइस पहले खड्डे कर लिए थे मैं 2-3 महीने पहले, तो अब सख्त हो चुकी है जगह, यहाँ पे घास लग गया सारा। थोड़ा लेट हो गया, मैं पहले बीमार था उस कारण, नहीं तो उस टाइम पूरे बूटे लग जाने थे मेरे, क्योंकि पहले भी यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे बरात ये इस नीचे वाले खेत में पहले के लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हैं और पार भी लगे हुए हैं, पार वाले तो बताए हैं इनको मैंने, ये वाले लगा लेते हैं। गाइस लास्ट जो पौधा है वो नींबू का अत्तू लगा रहा है, ये वाला। ऐसे तो सारे अत्तू नहीं लगाए आज, ये लास्ट है हमारा। तो आज हमने 30 पौधे लगाए, और यहाँ से देखो ये सामने मेरा गांव, ये वाला गांव, और यहाँ पे कितना सही लग रहा है यहाँ पे व्यू। तो ये नीचे रास्ता है ये वाला। अब तो इतना थक गया हूँ कि हाथ भी काम रहे हैं मेरे। आज जो नींबू के पौधे लगाने थे मैंने और रत्तू ने, वो सारे लगभग हमने 30 पौधे लगा लिए सारे जो भी थे। तो गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आए तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय बोलेनाथ की जय हो। अगले